तो गाइस आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मोबाइल से ऐसे नॉर्मल फोटो को ऐसे प्रोफेशनल टाइप से एडिट कैसे करें, वही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और इसको एडिट करने के बाद आप किसी को भी इम्प्रेस कर पाओगे, आपके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी आप इम्प्रेस कर पाओगे। और इसके लिए ज़्यादा ऐप्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लगेगा पिक्सट और लाइटरूम। ये दोनों ऐप्स आपको प्ले स्टोर में इजीली से मिल जाएगा। तो चलो देर क्यों कर रहे हो, जाओ और वीडियो को एक प्यार सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बाद चले जाना आपका मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पिक्सट। तो पिक्सट को यहाँ पर से ओपन कर लेना है। तो करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसे एडिट करने में, तो इसलिए मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड फोटो कर लेना होगा, और यहाँ पर से आपका जो फोटो को मैं एडिट करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ, और आपका आप ले लेना। तो यहाँ पर से लेने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा एक ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर पहले इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना, बट आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद। तो यहाँ पर से आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा एक, तो यहाँ पर से ब्लर वाला ऑप्शन में चले जाना। उसके बाद यहाँ पर इस ब्लर को ले लेना है। तो यहाँ पर से इस ब्लर को लेने के बाद कुछ छेड़खानी नहीं करने का, सिर्फ करने का रेजर में क्लिक करना है। तो ऊपर के साइड रेजर में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपको इन्वर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इन्वर्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आपका फोटो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद यहाँ पर आपको ब्रश वाला आइकन में लेना होगा, और उसको आपका स्क्रीन को बाल ड्रेस सबको आपको यहाँ पर से ब्लर कर लेना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्पीड से। तो यहाँ पर से मेरा पहला काम खत्म हुआ। यहाँ पर से फिर से आपको इन्वर्ट में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर से आपको मैजिक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से देख सकते हो ब्लर हो चुका है आपका बैकग्राउंड, और यहाँ पर से थोड़ा सा फिनिशिंग देना होगा। यहाँ पर से ब्रश वाले आइकन में जाना, जाने के बाद यहाँ पर आपको आपको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर से जैसे मैं कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर से मेरा पहला ऐप्स का काम खत्म हो गया। यहाँ पर से मैंने बैकग्राउंड को ब्लर कर लिया। अभी बारी आ जाता है कलर ग्रेडिंग। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर लाइट रूम को ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर से लाइट रूम को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो को ऐड कर लेना है। यहाँ पर तो यहाँ पर से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट वाले ऑप्शन में चले जाना है। वहाँ पर आपको लाइट कलर यहाँ पर से ग्रेडिंग करना होगा। तो उसको मैं मेरे स्क्रीन पे दे दूँगा, तो वहाँ पर देख लेना मैं किसको कितना रख रहा हूँ, तो किसको कितना पॉइंट रख रहा हूँ वो मैं मेरे स्क्रीन पे दे दूँगा, उसमें जाके देख लेना। और अभी के लिए फिलहाल अभी तक जो वीडियो को देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो चलो गाइस यहाँ पर से देखते रहो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दे दिया, तो इसको आपको नोट कर लेना है, या तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये दोनों मिल जाता है ग्रेडिंग का, और भी दो है तो उसको भी देख लेना है। तो यहाँ पर से देख सकते हो ये दोनों मिल जाता है, टोटल चार मिल जाता है आपको ऑप्शन। तो इस चारों में से आपको कर लेना है आपको देख कर, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। इसको सेव कैसे करोगे, तो सेव करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर कॉर्नर पर थ्री डॉट मिलेगा, यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लेना है। तो भाई कैसे आज का वीडियो देखता, जय हिंद जय भारत।